एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय स्टाइल कस्टम क्लोथिंग। आप सबका माय स्टाइल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं दिवाली आउटफिट बनाने वाली हूँ अपनी बेटी के लिए स्क्रैच में से, यानी कि एक भी रुपया मैं खर्चने नहीं वाली। लास्ट ईयर के नवरात्रि में मैंने ये वाला लहंगा चुन्नी बनाया था उसके लिए, जिसका थोड़ा सा फैब्रिक बच गया है। बहुत ही सुंदर और सॉफ्ट सा फैब्रिक है ये। सोच रही हूँ इसी में से कुछ तो बनाती हूँ, समथिंग इंडो वेस्टर्न टाइप, ताकि वो जीन्स पे भी पहन सके। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर स्लीव की लेंथ थोड़ी लंबी करनी हो या फिर फिटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उसे कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो फैब्रिक, लगभग पौने मीटर तक का ये फैब्रिक बचा हुआ है। साथ में जो लहंगे का इनर बनाया था मैंने सैटिन का, उसका भी थोड़ा सा फैब्रिक बचा है। ये जो सैटिन का फैब्रिक है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, यानी कि ये बॉडी पे चिपकता नहीं है, अंदर से कॉटन है, तो इसका हम टॉप आराम से बना सकते हैं। टॉप का लेंथ 13 है और जो चेस्ट है वो मैं 3-4 इंच ज़्यादा ही रखती हूँ, तो 4 फोल्ड करने के बाद लगभग 6.5 या 7 इंच आना चाहिए, उतना हम 4 फोल्ड कर लेंगे। और अब शोल्डर के साइड से हम 3.5 और 2.5 इंचेस पे 2 मार्क करेंगे और आर्म होल के लिए 4 पे मैंने मार्क किया है, चेस्ट 6.5 लिया है। अब यहाँ पे कर्व शेप दे देंगे और आर्म होल के साइड भी कर्व शेप दे देंगे और अब इसे हम कट कर लेंगे। और थोड़े से क्रॉस स्ट्रिप्स भी रेडी करेंगे। आपको एक बात कहूँ, हमारे गांव में ना ठंडी बहुत लगती है, पीछे ही नदी है, और ये जो आउटफिट है दिवाली की रात को पहनने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसमें से कोटी या जैकेट टाइप कुछ बनाती हूँ लॉन्ग स्लीव का। तो पहले हम बैक साइड का कटिंग करेंगे। तो मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड रखा है, शोल्डर और आर्म होल मैंने 5 लिया है, यहाँ पे कर्व शेप दे देंगे और जो नेक है वो 2 लिया है नेक का विड्थ, और यहाँ पे भी थोड़ा कर्व शेप दे देंगे, शोल्डर को थोड़ा सा तिरछा रखेंगे और चेस्ट मैंने 7 लिया है, और जो लेंथ है वो 28 है। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब इसे हम दूसरे बचे हुए फैब्रिक पे रखेंगे और शोल्डर, आर्म होल और लेंथ एज इट इज मार्क कर लेंगे, और जो गले के साइड है वहां पे 1 इंच हम छोड़ देंगे, और नेक का लेंथ 3 रख के इस तरह कर्व शेप दे देंगे और पूरा मार्क करके इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। नेक के साइड हमने 1 इंच का गैप रखा है इस तरह, और अब हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट साइड के 2 पीसेस रेडी है। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स की लेंथ वैसे 13 है, मैंने गलती से एग्जैक्टली 13 पे मार्क कर दिया, सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच छोड़ा ही नहीं, पर कहते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लास्ट में मैंने स्लीव की लेंथ बढ़ाई है और उसके बाद जो लुक आया है बहुत अच्छा आया है। तो मैंने स्लीव के लिए यहाँ पे 4 फोल्ड कर दिया और जितना आर्म होल का मेजरमेंट था उसके हिसाब से इस तरह कर्व शेप दे दिया। लेंथ मैंने जो है 13 ली है, और स्लीव का जो नीचे का बॉटम है वो मैंने 2-3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और अब सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद 1 इंच विड्थ वाली ये मैंने पट्टी बनाई है डोरी के लिए, और अब हम इसे कट कर लेंगे। चेस्ट के पास मैं डोरी अटैच करने वाली हूँ, उसके लिए एक पेंडेंट भी बनाने वाली हूँ, साथ ही साथ दुर्वा के लिए हेयर बैंड भी बनाने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो पहले हम टॉप से स्टार्ट करेंगे। इसका एक फैब्रिक हम ले लेंगे और क्रॉस स्ट्रिप जो हमने बनाई थी वो लेंगे। गले के पास इस तरह स्टिच कर लेंगे। राउंड साइड्स में यहाँ पे कट्स लगा लेंगे
उसे फ्लिप करके डबल फोल्ड करके पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे। इसी तरह टॉप के दूसरे पार्ट को भी हम रेडी करेंगे। अब हम दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए। इस तरह मैंने डबल फोल्ड किया है। ये सैटिन का फैब्रिक है और इसके धागे बहुत निकलते हैं, इसलिए अब आर्म होल की साइड्स में भी हम क्रॉस स्ट्रिप्स अटैच कर लेंगे जिस तरह गले का किया है। अब हम फिटिंग का पार्ट करेंगे सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए। यहाँ पे हम सिलाई मारेंगे। यहाँ पे हम डबल फोल्ड भी कर सकते हैं या फिर आप क्रॉस स्ट्रिप भी अटैच कर सकते हैं। बच्चों के मेजरमेंट्स हमारी तरह नहीं होते, ज़्यादा फिटिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चेस्ट के पास हमेशा 3 से 4 इंच का लूजिन रहना ही चाहिए। ऐसा होता है कि बच्चों को पहनने में प्रॉब्लम होता है या थोड़ा सा फिटिंग लगता है, तो ये मेरी एक टिप है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने ये सिलाई खोल दी है दोनों साइड्स में। अगर आपको दोनों साइड्स में 2 इंचेस लूज इन चाहिए तो आप 3 इंचेस विथ वाले 2 स्ट्रिप्स लीजिए और 4 क्रॉस स्ट्रिप्स भी लेना है। अब हम इसके एक साइड में डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इसके बाद सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए एक साइड में यहाँ हम स्टिच कर लेंगे और क्रॉस स्ट्रिप अटैच कर लेंगे। अब हम इसे उल्टा करके जो क्रॉस स्ट्रिप हमारा है उसे डबल फोल्ड करके सिलाई को अंदर हाइड कर लेंगे। इसके बाद हम टॉप के दूसरे साइड को यहाँ पे स्ट्रिप में अटैच करेंगे और यहाँ पे भी हम क्रॉस स्ट्रिप अटैच कर लेंगे। इस तरह हम दूसरे साइड में भी बना लेंगे। नीचे हेमिंग कर लेंगे। इस तरह आप किसी भी कपड़े में लूजिंग दे सकते हैं। अब हम ये मेन फैब्रिक लेंगे और इसके दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। अब जो ये फ्रंट साइड है यहाँ पे हम डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम नेक में क्रॉस स्ट्रिप अटैच करेंगे। एजेस में डबल फोल्ड करके स्टिच करना है क्रॉस स्ट्रिप को। और अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स की लेंथ मैंने लास्ट में लंबी की है पेंडेंट और हेयरबैंड बनाने के बाद, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। अब मैं फिटिंग का पार्ट कर लूंगी और नीचे हेमिंग कर लूंगी और यहाँ पे बीच में मैं दूरी अटैच करूंगी। इस तरह दूरी बना के पहले मैं पेंडेंट बनाऊंगी। तो ये मैंने 4 फोल्ड किया है और कॉर्नर से 2-2 इंचेस मैंने सर्कुलर में मार्क किया है और इस तरह एक सर्कल बना देंगे। एक बो जैसा बनाया है मैंने।
इस डोरी पे अटैच कर दिया। ऐसे पेंडेंट्स बच्चों पे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये दोनों डोरी के लिए पेंडेंट्स रेडी है। आपके पास अगर ऐसे क्यूट पेंडेंट्स के आइडियाज़ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगी और आपको वीडियो में ज़रूर मेंशन करूँगी। अब हम हेयर बैंड बनाएंगे रबर टाइप। उसके लिए ये फैब्रिक्स मैंने रेडी किए हैं, स्क्रीन पे उसके मेजरमेंट्स मैंने लिखे हैं। और ये इलास्टिक बैंड मैंने लिया है, 7 inches लेंथ है इसकी। रेडी करेंगे। इलास्टिक को अच्छे से हम दो नॉट्स लगा देंगे ताकि वो अंदर से बिल्कुल ना खुले, और एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। ये हेयर बैंड बनने के बाद अब हम इस स्ट्रिप को रेडी करेंगे। सर्कल और ट्रायंगल है, इससे हम एक सेलर बो या फिर बटरफ्लाई जैसा बनाएंगे हेडबैंड के लिए। बहुत अच्छा, बहुत क्यूट लगता है ऐसा। हम इस स्ट्रिप को यहाँ पे रख के हेडबैंड को अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा छोटा सा क्यूट सा हेयरबैंड रेडी है। अच्छा, अब बारी आती है स्लीव्स के लेंथ बढ़ाने की। अगर आपको 1 inch लेंथ बढ़ाना है तो 2 या 2.5 inch विड्थ वाला ये फैब्रिक आप रेडी कीजिए। अब सीधी साइड अंदर की तरफ रख के इस तरह यहाँ पे स्टिच करना है और फ्लिप करके डबल फोल्ड करके स्टिच कर लीजिए। ये हमारा स्लीव का लेंथ लंबा हो गया है। अब हम फिटिंग का पार्ट करेंगे। तो स्लीव का बॉटम विड्थ है वो 3 inches है, इस तरह हम स्टिच कर लेंगे। और अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो कट कर लेंगे। ये देखिए कितना प्रिटी लग रहा है, एकदम सिंपल एंड ब्यूटीफुल। जीन्स के ऊपर पहनने पे इसका लुक बहुत ही डैशिंग आता है। ये देखिए, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।